चलिए आज बनाते मटका पिज़्ज़ा और कुल्हड़ पिज़्ज़ा। पहले तो एक चम्मच बटर लेंगे, इसमें अभी पनीर का क्यूब डालेंगे, फिर इसको गोल्डन ब्राउन होने तक थोड़े टाइम के लिए फ्राई करेंगे। देखिए पनीर अभी अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो अभी सब्जियां डालेंगे। कॉर्न, शिमला मिर्च और प्याज डाल के 2-3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अभी हम इसमें 2 चम्मच पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे और मिक्स करेंगे। सब चीज़ अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी हम इसमें 1/2 चम्मच ऑरेगानो, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स और 1/2 चम्मच पिज़्ज़ा मिक्स डालेंगे। हम अभी इसमें मोज़रेला चीज़ डालेंगे, आपके मनपसंद का कोई भी चीज़ आप डाल सकते हो। अभी हम पिज़्ज़ा बेस को छोटे छोटे साइज में कट करके डालेंगे। ये सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ठंडा होने के लिए थोड़े टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अभी हम एक पॉट लेंगे, फिर उसमें ना बेस बना देंगे, जो बनाया था ना उसका बेस बना के फिर उसको लेयरिंग करेंगे। डालने के बाद इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डालेंगे, अगर मोज़रेला चीज़ ना हो तो कोई भी चीज़ डाल सकते हो, और उसके ऊपर हम टमाटो केचप डालेंगे। फिर सेम चीज़ को हम रिपीट करेंगे। फिर से अभी ओरिगानो और चिली फ्लेक्स डालेंगे। अभी हम इसके ऊपर सब्जियां डालेंगे जो फ्राई किया हुआ था, अगर आपके पास ऑलिव हो तो आप डाल सकते हो। ये पॉट को जैसे लेयरिंग करके तैयार किया था ना, वैसे ही ये कुल्हड़ को भी मैंने लेयरिंग करके तैयार कर लिया। कढ़ाई में स्टैंड रखेंगे, फिर उसके ऊपर एक प्लेट रख के, फिर ये पॉट को रख के हम 15 से 20 मिनट बेक करेंगे। 15 से 20 मिनट हो चुका है, अभी हमारा मटका पिज़्ज़ा तैयार हो गया। देखिए ये छोटा वाला कुल्हड़ को भी मैंने बेक कर लिया है। यकीन मानिए जो हम रेगुलर पिज़्ज़ा खाते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।